वेलकम टू फूड बेंच। आज हम बनाएंगे शीरखुरमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम दूध बॉईल करेंगे। मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। अब दूध बॉईल हो चुका है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये 2 लीटर दूध जो हमने बॉईल किया था, 1/2 कप मैंने सिवाई ले ली है, 10 से 12 काजू बादाम पिस्ते ले लिए, सब सेम क्वांटिटी में लेंगे और उसे फाइनली चॉप कर देंगे। उसे बिल्कुल बारीक कट करना है। और मैंने 10 से 20 किशमिश ले ली है, रेजिंस। हम 1/2 टेबल स्पून दूध का मसाला ले लेंगे। मैंने एवरेज के दूध का मसाला लिया है और 1 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम घी ऐड करेंगे। घी को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो चुका है, हम उसमें काजू बादाम को ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून आप चारोली भी ऐड कर सकते हैं और उसे अच्छे से रोस्ट करना। हल्का रेड होने तक उसे रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम पैन में फिर से घी डालेंगे, फिर उसमें हम सेवई डालेंगे। सेवई को भी अच्छे से भून लेना है, 2 से 3 मिनट तक उसे रोस्ट करना है, हल्की रेड होने तक। अब सेवई रोस्ट हो चुकी है, हम उसे निकाल लेंगे। अब हम शीरखुरमा प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमें चीनी चाहिए होगी। हमने 1 कप शक्कर लिया है, आप एज पर टेस्ट ले सकते हैं आपको जितना मीठा चाहिए। हमने काजू बादाम और सेवई को रोस्ट कर लिया है। अब हम एक वेसल लेंगे, उसमें हम घी को ऐड करेंगे। मैंने अमूल की घी ली है। अब उसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे दूध का मसाला और उसे 1 मिनट तक थोड़ा हल्के से रोस्ट करेंगे। अब उसमें हम दूध को ऐड करेंगे जो हमने बॉईल किया था। अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे, हल्का बॉईल आने देंगे हम इसमें। अब बॉईल आ चुका है, अब हम उसमें जो हमारे रोस्ट किए काजू बादाम और सेवइयों को ऐड करेंगे और उसे भी हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे। अब हमारा शीरखुरमा बनके रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा डिलीशियस शीरखुरमा बनके रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।